और अब आम इंतखाबात के बाद ज़िमनी इंतखाब का महाज इन्हें 131 से कौन होगा पीटीआई का उम्मीदवार। हुमायूं अख्तर इलेक्शन मुहिम के लिए पोस्टर छपवाना शुरू कर दिए। इमरान खान ने अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर NA-131 की नशस्त छोड़ने का ऐलान नहीं किया। मज़ीद जानते हैं यासीन मलिक से। यासीन मलिक बताइए इस बारे में। आम इंतखाबात के बाद ज़िमनी इंतखाब का महाज है ये। NA-131 से कौन होगा पीटीआई का उम्मीदवार। हुमायूं अख्तर ने इलेक्शन मुहिम के लिए पोस्टर छपवाना अभी से शुरू कर दिए हैं, जबकि इमरान खान ने अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर NA-131 की नशस्त छोड़ने का ऐलान नहीं किया है। इस बारे में यासीन मलिक से जानने की कोशिश करेंगे। यासीन मलिक, अगर सुन पा रहे हैं तो बताइए इस हवाले से। जी, मैं अर्ज कर देता हूँ, चेयरमैन तरीके इंसाफ इमरान खान ने अपनी नशस्त NA-131 छोड़ने का बाज़ाब्ता ऐलान तो नहीं किया, मगर हुमायूं अख्तर ने पहले ही बतौर उम्मीदवार स्टिकर छपवाकर कंपेन शुरू कर दी। स्टिकर्स पर हल्का NA-131 और इंतखाबी निशान बल्ला के साथ हुमायूं अख्तर के नाम तहरीर है। NA-131 में वलीद इकबाल भी उम्मीदवार हैं। तहम इमरान खान ने ताहाल किसी को NA-131 के जमीनी इलेक्शन के लिए उम्मीदवार नामजद नहीं किया। वलीद इकबाल का दावा है कि इमरान खान ने उन्हें इस हल्के के लिए बतौर उम्मीदवार नामजद कर रखा है, जबकि जराय का दावा है कि हुमायूं अख्तर ने तरीके इंसाफ में शमूलियत ही इमरान खान के इस वादे पर की थी कि इन्हें NA-131 में जमीनी इलेक्शन में। बहुत शुक्रिया यासीन मलिक।